अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शौर्य, दलजीते मुझे ना बहुत कमजोरी लग रही है, दवाई लेने का टाइम भी निकल गया, दवाई लेने से थोड़ा ठीक लगेगा, चल घर चलते हैं। हम भी अब चलते हैं। दलजीत जी, यहाँ आज आपको इतना रुकना पड़ा और शौर्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं शौर्य की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। हाँ, आपको पूजा के लिए बुलाया था और देखो प्रॉब्लम हो गई इतनी। प्लीज आप लोग बुरा मत मानना। कोई बात नहीं जी, ऐसा होता है, जब बाहर वाले घर आते हैं तो घर की चार बातें निकल के बाहर आ ही जाती हैं और घर के लोगों को बात अच्छी नहीं लगती, मगर ऐसे माहौल में ऐसा हो ही जाता है कि नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत तो सब घरों में होता है, बुरा तो तब लगता है जब दूसरों के सामने हो। तो हमें पता है कि आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा। बुरा तो मैंने भी बहुत लगा जी, जो कुछ भी शौर्य के साथ हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था, बच्चा बिल्कुल टूट गया है। चलते हैं जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बच्चे हैं, आज नाराज है तो कल मान जाएंगे, संभाल लेंगे उसे हम। हो सके तो शौर्य को मना लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, खास करके पीजी का भी। हाँ जी, नमस्ते। चलो बल्कि चले। भाई, भाई आपके होते हुए करण ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी किसी से कुछ पूछा नहीं। आपने बात की थी ना उससे, डिसाइड हुआ था ना कि तीन कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हैं वो शौर्य को दी जाएंगी और तीन कंपनीज जो लॉसेस में जा रही हैं वो राजवीर को। राजवीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बिजनेस की सेंस है उसे, वो उन कंपनीज को भी प्रॉफिट में ले आएगा। ये सब बातें डिसाइड हुई थी, फिर अचानक करण ने सब कुछ उल्टा कैसे कर दिया, बिना किसी से पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। बहन, तुम करण को जानती हो ना, कैसा था वो पहले, गलतियों का पुतला था, कितनी गलतियां करता था, लेकिन एक वक्त आया जब उसने अपनी गलतियों को सुधारा और उसके बाद से उसने आज तक कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट आज उसकी पोजीशन ये है कि ना वो गलत करता है ना किसी को करने देता है, और जो भी फैसले लेता है वो गलत को सही करने के लिए लेता है। और तुम सब जानते हो शौर्य कैसा है। करण सुनो। हाँ प्रीता बोलो। अब मैं क्या बोलूं करण, जो मुझे बोलना था मैंने तुम्हें सब बोल दिया, जो नहीं बोलना चाहिए था वो तक भी बोल दिया, लेकिन तुमने किया क्या, अपने मन की ही ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था करण, तुम्हारा फैसला गलत है, जो तुमने किया है ना तुम्हें नहीं करना चाहिए। प्रीता, मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, जो सही है मैं वही कर रहा हूँ। देखो प्रीता, मैं उन पिताओं में से नहीं हूँ जिनके बच्चे अगर उनसे चांद मांगे तो उनके पिता कहें कि हाँ बेटा हम तुम्हारे लिए चांद लेकर आएंगे, नहीं। मैं उन पिताओं में से हूँ जिनका बच्चा अगर उनसे चांद मांगता है ना तो मैं कहूंगा नहीं, मैं चांद नहीं ला सकता, और दुनिया का कोई भी इंसान उनके लिए चांद नहीं ला सकता। अगर उसे चांद चाहिए तो उसे खुद जाके लाना होगा, और अगर चांद में दाग है ना तो वो दाग भी खुद ही मिटाने होंगे, खुद स्ट्रगल करना होगा और लाइफ में मूव ऑन करना होगा। तुम क्या चांद तारों की बातें लेकर बैठ गए हो, शौर्य की बात करो मुझसे। पहले मुझे शौर्य का गुस्सा गलत लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने फैसला ही ऐसा सुनाया है। कितना बायस्ड फैसला है ये। नहीं 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 प्रीता, इसे बायस होना नहीं कहते, इसे बिजनेस करना कहते हैं। तुम
शौर्य को इतने अच्छे से नहीं जानती हो। उसको स्ट्रगल का मतलब नहीं पता है। उसने आज तक एक पैसा मेहनत करके नहीं कमाया है। मेहनत कैसे होती है उसे नहीं पता। लेकिन अब जिस रास्ते पर मैं उसको लेकर जा रहा हूँ ना, वहां पे वो मेहनत भी करेगा, स्ट्रगल भी करेगा और पैसा भी कमाएगा। पता चलेगी उसे पैसे की वैल्यू क्या होती है। देखना, ऐसे सीखेगा। तुम्हें पता है ना कि शौर्य कैसा है? हर पिता को अपने सारे बच्चों का पता होता है। तुम्हें शौर्य को अपनी खराब कंपनीज नहीं देनी चाहिए थी। पिता, लूथरन इंडस्ट्रीज में ना कोई भी कंपनी बैड या बुरी नहीं है। सारी कंपनीज अच्छी हैं। कुछ कंपनीज हैं जो प्रॉफिट ज्यादा बनाती हैं, कुछ कंपनीज जो प्रॉफिट कम बनाती हैं। बुरी नहीं है कोई भी कंपनी। और शौर्य को जो मैंने कंपनीज दी है ना, अगर उन कंपनीज के ऊपर शौर्य मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, जी जान से मेहनत करेगा, तो इन कंपनीज को भी वो प्रॉफिटेबल कंपनी बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? लेकिन करण, तुम्हें शौर्य को अच्छी कंपनीज देनी थी ताकि उसके थ्रू वो बिजनेस सीखे। अच्छा, तुमने शौर्य का एटीट्यूड देखा है, उसका ईगो देखा है? ऐसे एटीट्यूड और ऐसे ईगो से ना वो अच्छी से अच्छी कंपनी को डुबा देगा, बैंकक्रप्ट कर देगा। बाप रे, कैसे बात करते हो तुम? तुम्हें शौर्य पे बिल्कुल भी विश्वास क्यों नहीं है? वो बहुत अच्छा, बहुत होनहार बच्चा है। मैंने उसे देखा है। अरे, उसे थोड़े एनकरेजमेंट की जरूरत है, थोड़े प्यार की जरूरत है। अगर तुम उसे थोड़ा प्यार दोगे ना, तो वो तुम्हें जादू करके दिखाएगा, जो कोई नहीं कर सकता है ना, वो करके दिखाएगा। करण, जब सब लोग उसका वेट कर रहे थे ना, तो वो लड़का जो कभी अपनी गलती तक नहीं मानता, वो आया ना नीचे और इतनी उम्मीद लेकर कि बिजनेस में शायद उसे भी बहुत अच्छा चांस मिलेगा, और उसने अपनी गलती भी मानी। कहाँ मानी गलती पिता? वो फुल अपने एटीट्यूड से आया, ईगो लेकर आया, हाँ ऐसे करके, और जो दिल में बात थी उसने बोल दी। सबको वो ताने मार रहा था नीचे, सॉरी नहीं बोल रहा था। तो यही तो कह रही हूँ ना मैं, कितना विश्वास किया था उसने तुम पर, और तुमने क्या किया? रीता, मैंने भी उस पर बहुत बार विश्वास किया जिंदगी में, बहुत बार विश्वास किया है, और उसने हर बार 100% हर बार उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब मैं ये गलती वापस नहीं करूंगा। तो क्या हो गया? तुम तो पिता हो, पिता का फर्ज बनता है कि वो एक बार नहीं बार बार कोशिश करे, एक नहीं हजार चांसेस दे अपने बच्चों को। तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारा बेटा वो नहीं बन जाता जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो, जैसा तुम सोचते हो। तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे विश्वास को विश्वास नहीं दे देता। कहते हैं ना, ट्राई 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 अंटिल यू इवेंचुअली सक्सीड। शौर्य, जो भी कुछ करण सर ने तुम्हारे साथ किया उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया। जो सब उन्होंने राजवीर को दे दिया वो सब उन्हें तुम्हें देना चाहिए था, क्योंकि जस्ट शट अप। क्या मैंने तुमसे पूछा कि मेरे डैड ने ये क्यों किया, कब किया, कैसे किया? नहीं ना, तो सब क्यों आ जाते मुझे ज्ञान देने के लिए, जब मैंने किसी से मांगा ही नहीं है। मुझे नहीं बोलना चाहिए शौर्य, लेकिन फिर भी आज मैं बोलूंगी। एटलीस्ट उन लोगों से अच्छे से बात करो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे कुछ गलत करने से तुम्हें रोक टोक करते हैं। खुश तो बहुत होगी तुम। राजवीर को सब कुछ मिल गया, वो सब कुछ जिसके लिए वो आया था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।